सबसे पहले मैं गोवा में जितना 75.5% जो वोटिंग हुआ पूरे देश में हाईएस्ट वोटिंग जो गोवा में हुआ, इसलिए मैं गोवा के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने एक्सट्रीम हीट जो गोवा में रहती हो 7 मई को रहती है, वैसे हमेशा के लिए 7 मई की हीट विच इज एन टॉप हीट इन द स्टेट ऑफ गोवा, बट बिसाइड्स दैट सभी बाहर आके सभी लोगों ने वोटिंग किया, एजेड लोगों ने जो खास करके वोटिंग किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन लोगों ने जो लोगों को मोटिवेट किया, अवेयर किया वोटिंग के लिए, इनके लिए इतना बड़ा वोटिंग हो सका, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार इस टैगलाइन पे लोगों ने डायरेक्ट जो वोट दिए हैं वो मोदी जी को वोट दिया है, और हमेशा के लिए गोवा के लोग वेल एजुकेटेड हैं। कांग्रेस ने ये कैंपेन जाति और धर्म के लेने की कोशिश की, लेकिन लोग इस जाति और धर्म को न मानते हुए विकास के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित गोवा 2047 के लिए उन्होंने वोट दी है, तो हमेशा लोग इसी तरह से वोट करते हैं। दोनों सीट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा यानी भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतेगी, ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं, और बड़ी अच्छी मार्जिन से, जो 1 लाख और 60,000 प्लस मार्जिन से हम दोनों सीट जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इंडिया अलायंस का क्या कुछ ये नहीं होगा? इंडिया अलायंस तो अभी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में बची है, क्योंकि उनका तो कैंपेन 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा, बाकी जगह उनके जो पार्टनर्स हैं वो 1-2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में दिख रहे थे। दे आर ट्राइंग टू बी प्रेजेंस इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस का कहाँ पे यानी वो तक पाएगा। वो इंडिया अलायंस तो अभी जैसे ही उनका सीएम केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी के अंदर है, इसलिए जल्दी ही इनकी अलायंस मुझे लगता है टूटने वाली है, क्योंकि अभी से झगड़ा उनका स्टार्ट हो गया है। जैसे अभी इलेक्शन के वक्त भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ढेर सारे इंटरनल जो झगड़े थे उनमें वो दिखने लगे हैं, तो इंडिया अलायंस देश में भी रहने वाला नहीं है। कांग्रेस अलग है बोलेंगे, आम आदमी अलग है, जो बाकी पार्टियां अलग है। फर्स्ट और सेकेंड 4 फेज बचे हैं, उनमें तो लगता है कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, कि लोगों को ज्यादा अवेयर करने लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकल, आगे आने वाले फेजिस में और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।